हेलो गाइस, आज हम शेयर मार्केट का कुछ बेसिक्स के बारे में जानेंगे जो कि आपको जानना इम्पोर्टेंट है। आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये सब बातें आपको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप मत करो, शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखते रहे। जैसे कि हम सब जानते ही हैं, इंडिया में सिर्फ 5% लोग इन्वेस्ट करते हैं और US में 80% लोग इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि इंडिया के भी परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है। इंडिया में ना शेयर मार्केट को लेकर बहुत नेगेटिविटी फैला हुआ है, सब हमेशा नेगेटिव ही बात करते रहते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है आपको मालूम है क्या? इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हमें स्टॉक मार्केट के बारे में, फाइनेंशियल कुछ मैटर के बारे में कभी स्कूल या कॉलेज में सिखाया नहीं जाता, कभी पढ़ाया ही नहीं जाता, ये सब सबसे बड़ा मैटर है। बात करें विप्रो का, आपको विप्रो का बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आप सब विप्रो को तो जानते ही होंगे। 40 साल पहले अगर आपने विप्रो में 100 रुपये इन्वेस्ट किया हुआ था तो आज उसका अमाउंट 7 करोड़ रुपया हो जाता। हाँ गाइस, सही सुना आपने, ये है कंपाउंडिंग इफेक्ट, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फायदा। जैसे कि विप्रो ने 40 साल में 100 रुपये को 7 करोड़ रुपये पे पहुंचाया, वैसे ही अगर 40 साल पहले कुछ ऐसा भी स्टॉक्स था जो 7 करोड़ रुपये को 700 रुपये में भी पहुंचा सकता था। शेयर मार्केट में जैसे कि पॉजिटिविटी भी है वैसा नेगेटिविटी भी है। शेयर मार्केट जैसे आपको फायदा देता है वैसा नुकसान भी देता है। ऐसा ही नुकसान को कम करने के लिए हम लोग SL लगाते हैं, जो जिसे को स्टॉप लॉस बोलते हैं। SL जैसे कि एक स्टॉक 100 पे खड़ा है, अगर उसको हमने ले लिया तो ऊपर तो कितना भी जा सकता है, अगर नीचे आया तो हम उसको 80 में SL लगा लेंगे तो फिर हमको 20 रुपये का नुकसान होगा। इसको बोलता है SL यानी कि स्टॉप लॉस, आपका लॉस को स्टॉप कर देगा वो। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ज़्यादा पैसा का जरूरत नहीं है, 5-10 हज़ार से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में तो पैसा ही नहीं लगता, बहुत कम लगता है, 500-1000 रुपये से आपका SIP स्टार्ट हो जाता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, एक स्टॉक्स लेना चाहते हैं, शेयर लेना चाहते हैं किसी भी कंपनी का, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, भतेरो कंपनी पर हुआ है, NSE में NSE BSE आपको दूसरा दिन समझाएंगे। अगर आप स्टॉक लेना चाहते हैं तो अपना डीमैट अकाउंट ओपन करिए और 5-10 हज़ार से अपना ट्रेडिंग चालू कर दीजिए या फिर इन्वेस्टिंग चालू कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। ऐसा ही प्रोफेशनली ट्रेडर बनने के लिए या फिर प्रो लेवल का इन्वेस्टर बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना गाइस।